वो भी दुखी है जिसके पास घर है, वो भी दुखी है जिसके पास घर नहीं है, वो भी दुखी है जिसके पास बच्चे है, वो भी दुखी है मेरा बच्चा नालायक है, और ऐसे भी है जिसके बच्चे नहीं है तो रो रहे कि बच्ची क्यों नहीं है, है ना? ऐसा कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जो दुखी नहीं है। आप अपनी लाइफ को अभी तक काउंट करो कि मैंने सच में कितने खुशी वाले पल जिए हैं, या सुबह से मैं शाम तक आज दिन मैंने बिताया तो सच में ऐसे कितने क्षण आए जिसमें मैं बड़ा बड़ा एकदम फुल ऑफ लाइफ था और बड़ा मुस्कुरा रहा था, कितने पल आते हैं। तो इस सब चीजों का हमको कारण ढूंढना है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण हो सकता है, दुखों का कारण क्या है, तो? क्या है, क्या है कारण? ज्यादा अपेक्षा, ज्यादा अपेक्षा, छोटी चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, जितना रोने लगे उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन और क्या है, अटैचमेंट क्या है, सबने बोला है, मैं बोला, मैं सिर्फ अकेला नहीं बोलने वाला हूँ, मैं नहीं सबको बताने लगा क्योंकि ज्ञान की गंगा सबके अंदर है, मैं चाहता हूँ कि इस सेशन में वो बाहर है ताकि आपको ये लगे। लेकिन बहुत सारा कुछ करना है। अच्छा, जैसे कंपैरिजन नहीं, मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है तो उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। कैसे करना? कैसे करना? पहला तो भगवान ही है, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। अभी मुझे नहीं लगता यहाँ ऐसा कोई है जो पूजा पाठ नहीं करता, ऐसा कोई है क्या? करते हैं ना हम सब लोग, मैं एक्शन करता हूँ। पूजा पाठ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैं तो बोलती हूँ जैसे हम करेंगे तो थोड़ा हमारा ध्यान है, थोड़ी माला किया ध्यान हो बहाने। चलो पूजा पाठ की हम बाद में बात करते हैं, पर अब इतना तो सब लोग मानते हैं कि सब लोग दुखी है, है कि नहीं है? नहीं मानते तो बोलो नहीं, है ना? आप नहीं हो अभी, पर जीवन दुखों से भर के यहाँ तक आए हो, तभी आपने सीख लिया जीना कि दुखी रह के कोई फायदा नहीं, इसलिए आज अब दुखी नहीं हो, मगर दुखों ने आपको जीना सिखाया ना, तो इसका मतलब दुख तो है, लेकिन आप सिर्फ अभी और कम कर लिए उसको, अभी आपको उसको दुखों के साथ कैसे हमको रहना है और मुस्कुराना है समझ में आ गया, है ना? तो उसका हमको आज ये ना मेन कारण ढूंढना है कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या लाइफ में जो भी दुख आ रहे हैं उसकी जड़ क्या है, क्या रीजन है। अभी जैसे सबने बताया एक्सपेक्टेशन है, किसी ने बताया बहुत कुछ करना है, कोई किसी ने कुछ बताया, किसी ने बोला लोगों से ज्यादा अपेक्षा है। ज्यादातर हमको ऐसा लगता है कि दुखों का कारण दूसरा है, है कि नहीं? ऐसा ही लगता है ना, सब मेन तो हम यही सोचते कि भाई हाँ या तो कोई व्यक्ति होगा या तो कोई सिचुएशन होगी, और नहीं कोई तो भगवान है ही, उसको ब्लेम करेंगे कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना? कोई नहीं तो फिर भगवान को ब्लेम करेंगे कि ऐसा। तो क्या हो सकता है दुखों का कारण? अपनी सोच, अपनी थिंकिंग। दीपक क्या है दुखों का कारण? विचारधारा, विचारधारा, थिंकिंग, मन, मन की अशांति, मन की अशांति।
ऐसा लगता है हम स्वयं ही अपने दुख का कारण है सबसे बड़ा। अच्छा, क्योंकि हम ज्यादा इच्छा रखते हैं दूसरों से, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हम ऐसे हैं, दूसरा क्या सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपसे तो दुखों के बाहर आ गए आप तो, आपको क्या लगता है? वो तो नेचुरल है ना, हम बच्चा किसी के घर पैदा होगा तो माँ बाप से तो अटैचमेंट रहेगी उसको, है ना, तो अटैचमेंट तो एकदम नेचुरल चीज है, वो भी रहेगा, नेचुरल है, उससे कोई छूट नहीं सकता है, कोई जितना भी बोले मैं डिटैच हो गया वो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो नेचुरल कोर्स है लाइफ का कि तुम किसी के यहाँ पैदा होगे, तुम्हारे घर में कोई पैदा होगा, तुम जो कंट्री में पैदा होगे, जिस एरिया में, जिस लैंग्वेज में, जिस स्टेट में, तो अटैचमेंट तो हो गई क्योंकि वहीं से तो तुम्हारी आइडेंटिटी बनी है ना, और वो अटैचमेंट नहीं होगा तो फिर तुम हो कौन, तो वो कैसे दुखों का कारण हो सकता है? भ्रम हो जाता है। मन की अशांति क्यों है? क्यों है अशांति? चलो मान लेते हैं मन, हाँ क्यों, क्या रीजन? मन कभी स्थिर रहता ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, तो उसकी वजह से। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मन को हम हैंडल नहीं कर सकते, ये एक दुखों का कारण हो सकता है? सारे दुखों के कारण है, पर हमको जाना है कोर में, रूट तक। ये सारे आप जो बोल रहे हो सब बराबर बोल रहे हैं कि ये सारे कारण है, पर ये सारे ऊपर ऊपर के कारण है जो दिखते हैं, मेन कारण कुछ है, क्या है हरमित? सबसे बड़ा दुखों का कारण है क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। क्या कारण है? सबसे बड़ा दुखों का कारण यही है, हम अपने आप को ना जानते हुए बाकी सबको जानते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को हम नहीं जानते और बाकी सबको जानते हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, और वो भी आपका चेंज होता रहता है। हाँ, आज वो अच्छा दिखता है उसको गुरु बना देंगे, कल उसने कुछ बोल दिया उसको नीचे गिरा देंगे। गुरु चेंज बदली है ना, क्या कारण है? तो आपको पता है, आपको लगता है कि आप अपने आप को जानते हो, पर ये सच्चाई है क्या? अगर मैं आपको पूछूं आप कौन हो तो क्या हो, बताओ आप क्या हो? हर चीज जो आपको अपने बारे में पता है क्या वो सच है? नहीं। कौन है? जब अगर मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, समझ रहे हो, तो मैं जो भी करूंगा गलती होगा ना, है कि नहीं? अगर मेरा फाउंडेशन ही गलत है तो मैं कोई भी बिल्डिंग बना लूं क्या होगा उससे? तो जब तक ये पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं, तब तक दुखों का अंत नहीं है। और मैं को ढूंढने के लिए जैसे बोला कि वो अपने अंदर ही जाना पड़ेगा ना, वो अपने अंदर जाके ही पता चलेगा ना मैं कौन हूं, कोई बाजू वाला तो बताएगा नहीं, और बताएगा भी तो अच्छा तो बताएगा नहीं, है ना? तो कहां तक जाना पड़ेगा हमको? अपने अंदर जाके कि मैं कौन हूं, क्योंकि तब तक आपको, जब तक आप अपना फोकस बाहर की ओर ना करते हो, अपने अंदर नहीं लाते, तब तक वो लाइट जब तक अंदर नहीं जाएगा, तब तक जब तक अंदर का अंधेरा नहीं क्लियर होगा, आप जो देखोगे वो सिर्फ आपकी छवियां दिखते रहेगी सब लोग। आप अगर बोलते हो ना कि आगे वाला खराब है,
वो आप उसके बारे में नहीं बोल रहे हो, आप किसके बारे में बोल रहे हो? हम जैसे होते हैं वैसे बोलते हैं, है ना? मैं नजरिया उसके जरूरत से भी बदलता है। अगर समझो उस इंसान से आपको काम है तो अलग आएगा, फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो उसके सारे गुना अंदर है ना, और उससे काम नहीं है कुछ तो क्या होगा, फिर उसके फिर प्रति, और यही चल रहा है, रोज चल रहा है, अंदर बाहर सब यही चल रहा है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि हम कौन है, क्योंकि बाकी सब चीजों पे काम करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर ऊपर ऊपर के कारण रहेंगे, ऊपर ऊपर के निवारण रहेंगे, जड़ तक कभी जाएंगे नहीं। अगर जड़ तक जाएंगे नहीं तो वो फिर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, थोड़े देर के लिए आएगा। आप मंदिर चले गए, थोड़े देर के लिए अच्छा लगेगा, फिर बाहर आएंगे चप्पल गायब है, फिर संसार चालू है ना, कौन बोलेगा मेरी चप्पल, गाली देना चालू है कि नहीं। तो कई जगह ऐसी बनी है जहां आप जा सकते हो और थोड़े टाइम के लिए आपको उससे ये मिल सकता है, क्या बोलते हैं, छुटकारा। आप कोई गुरु के पास चले जाओ, या कोई सत्संग में चले जाओ, या कोई मेडिटेशन में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, घर में पूजा कर लो, तो टेम्पररी समाधान मिलेगा। पर अगर परमानेंट सॉल्यूशन ना, अभी पहले भी ये भी जानना जरूरी है कि परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं है, क्या लगता है परमानेंट सॉल्यूशन है इसमें या नहीं? अभी शुरुआती यहां से हुई कि मुझे पता नहीं मैं कौन, तो मैं जो भी करूंगा वो सही कैसे हो सकता है, है ना? ये सर लो, तो अगर मैं आपको पूछूं आप कौन हो तो क्या बोलोगे आप, मैं कौन? आप बोलोगे मैं एंथनी, है ना? तो एंथोनी तो आपका नाम है, आप पास एंथोनी होगी, बराबर है कि नहीं? आपका नामकरण पैदा होने के कुछ दिनों बाद हुआ होगा ना, बराबर है? तो पैदा होने से नामकरण तक वो जो था वो कौन था फिर? तो औलाद को भूल गए, और चिपक किससे गए? नाम से अपने। आप लड़का हो या लड़की हो कंफर्म बोल सकते हो? समझो एग्जांपल देता हूं, जब सारे लड़के पैदा हो रहे थे, सबको अगर बोल दिया गया होता कि तुम लड़की हो, और सारी लड़कियों को बोल दिया गया होता कि तुम लड़के हो, तो आज आपने अपने आप को क्या बोला रहता? ये सर लो, आप बोलते हो मेरे माँ बाप ये है, क्या सबूत है? हो सकता है मेरे को किसी ने कहीं से अडॉप्ट कर लिया हो, वो तो दो पेपर उन्होंने तुमको दिखा दिए बर्थ सर्टिफिकेट, आप बोलते हो तो कैसे बोल सकते हो? मतलब मैं जो भी धारणाएं लेके बढ़ रहा हूं वो सारी मुझे बताई गई है, मुझे खुद कंफर्म नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता हूं, है कि नहीं? आज मैं जो भी अपने बारे में जानता हूं वो सब दूसरों ने दिया है कि नहीं? नाम दूसरों ने दिया, जाति दूसरों ने दिया है, सब कुछ दूसरों ने दिया है, सब दूसरों ने बताया कि तू ये है तू वो है, पहले बोला कि तू जैसे पैदा हुआ पहले बोला तू लड़का है, हा? तू लड़की है, फिर बोला तू सोनल है, तू एंथोनी है, और आपने शुरू कर दिया मानना, पूछा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गए, फिर बोला आपको तू महाराष्ट्रीयन है, मराठी तेरी लैंग्वेज है ना, फिर बोला आपको कि तू इंडियन है,
और आज अगर आपको कोई भी पूछे तो आप यही बताने वाले कि मैं लड़का हूँ, मेरा नाम एंटोनी है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, इंडिया मेरी कंट्री है। पर इसी लड़के को हॉस्पिटल से उठाकर अगर ऑस्ट्रेलिया में रख दिया होता या अमेरिका में रख दिया होता तो वही लड़का, सेम लड़का कुछ और चीजें बताता है कि नहीं? तो जब जो कुछ भी मैं अपने बारे में जानता हूं क्या वो सच है, ये मेन हमको ढूंढना है। अगर सच नहीं है या है भी या रिलेटिव सच है तो सारी दी गई हुई तुमको आइडेंटिटीज सेकेंडरी है, तो प्राइमरी आइडेंटिटी क्या है? हाँ, तो सबसे बड़ा तो गहरा सवाल यही है कि मैं कौन हूं। जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं तब तक मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा। मैं जयश्री फाउंडेशन चला लूंगा, मैं मीता वेलनेस चला लूंगा, मैं करोड़ों रुपए का बिजनेस डाल दूंगा, मैं खुद का ही दुश्मन बनूंगा। कोई भी काम करूं अच्छा बुरा वो मेरा दुश्मन बनेगा 100%। ज्यादातर अच्छे काम ही दुश्मन बनते हैं, मालूम है ना आपके। अब वो जयश्री फाउंडेशन चला रहे ना, मेरे को पता है उसके अंदर क्या क्या होता होगा। और वो सफर होता है इंसान, वो बोलता है मैं तो सारे अच्छे काम कर रहा हूं फिर मैं सफर क्यों हो रहा हूं, मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, जिस प्रकार का मुझे उसका आउटकम चाहिए वो नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्यों होगा ऐसा सब? आपने भी देखा होगा किसी को आपने पैसे दिए होंगे उधार, उसके नीड में काम में आए होंगे, क्या हुआ उसका सिला है ना? तो आपने देखा होगा जब जब आपने अच्छा काम किया तो उससे क्या मिला, दुख मिला ना? ऐसा क्यों हुआ फिर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कर्मों का लॉ तो बोलता है कि अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जिस दिन तक आप अपने आप को जानोगे नहीं कि मैं कौन हूं तब तक आप करते रहो जो करना है, पर दुखों का साथ नहीं छूटेगा। हर टाइम मन क्या बोलेगा, ये कर लूंगा, यहां पहुंच जाऊंगा तो सब सही हो जाएगा, है ना? इसको लगता है मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी तो एकदम मस्त हो जाएगी लाइफ, लेकिन जो बने उनको पूछ जाएंगे ऐसे होता है, लोग जबरदस्ती बिठाते छोड़ी दे, अमृतसर के बस। तो हमको पता होना चाहिए ना फिर कि हम कौन है। जब तक हमको पता नहीं होगा तो शुरुआत से शुरुआत करेंगे कि हम कौन है, उसके ऊपर ध्यान मत दो, उसको अपना काम करने में। तो शुरुआत में क्या बोल सकते, नाम के पहले क्या था, तो सारी आइडेंटिटी तो उसके बाद आई ना, उसके पहले क्या था नाम, तो नाम के बाद का सब छोड़ दो, है ना? नाम से शुरुआत हुई समझो आपकी,
नाम के बाद का सब छोड़ दो, उसके पहले क्या था? नाम के पहले कौन थे आप? बॉडी ना, जन्म हुआ एक बॉडी पृथ्वी पे आई, वो बॉडी को कुछ पता नहीं है, वो कहीं पे भी गिर सकती थी, अमेरिका में गिर सकती थी, ऑस्ट्रेलिया में गिर सकती थी, इंडिया में। तो उसकी क्या आइडेंटिटी है तभी जब वो सिर्फ इस दुनिया में आई है? बिफोर कोई दुनिया ने उसको कोई आइडेंटिटी देने से पहले वो क्या, वो कौन है, उसको जानना है। क्योंकि उसको अगर जानोगे तो तुम कौन हो वो जान लोगे, क्योंकि हम सब वही है ना। अगर हमारे नाम निकाल लिए जाए, हमारी आइडेंटिटीज निकाल ली जाए, तो हम सब एक ही है ना। फिर तो मेरे पिताजी ने इसको अडॉप्ट कर लिया होता या इसके पिताजी ने मेरे को अडॉप्ट कर लिया होता, तो आज मैं हरमित होता, वो अमित होता, है ना। बिफोर आइडेंटिटी हम लोग सब एक ही है ना। ये सर नो, तो क्या हम बोल सकते हैं फिर अभी कि एटलीस्ट हम बॉडी है? क्या बोल सकते हैं? हाँ, अभी जेंडर भी छोड़ दो, मेल है या फीमेल है, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम बॉडी है, कि हम बॉडी भी नहीं है? एक एक स्टेप करते जा रहे हैं हम नीचे। पहले हम डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, हम इंडियन थे, महाराष्ट्रियन थे, हम लड़का थे, लड़की थे, हम एंथोनी थे, हम सोनल थे। एक एक स्टेप कर करके हम वो उसको छीलते जा रहे हैं, है ना। उसके अंदर का राज निकालने गए बाहर। कहाँ तक आए हम? क्योंकि अगर जब तक हम जान ही नहीं लेंगे कि हम कौन है रियलिटी में, तब तक तो जो भी करेंगे वो गलत होगा। ये तो सब एग्री है, ये सर लो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो कि अगर मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूं, तो मैं कुछ भी करने जाऊंगा उसका क्या होगा? हमारा जीवन उसका लाइव एग्जांपल है कि नहीं? हर आदमी सोचता है मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने सारे अच्छे काम किए, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों आए? ये